शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने चारों ओर ढूंढ लिया है, ना जाने कहाँ है मेरे पुत्र। पहले तो मेरा स्वर सुनते ही लौट आते थे, परंतु आज। दीदी, बाहरी नेत्रों से ढूंढना बंद कीजिए, मन की आंखों से देखिए, अपने हृदय से अनुभव कीजिए। आपकी अंतरात्मा अपने पुत्रों को स्वयं ढूंढ लेंगी। कितना ढूंढा मैंने तुम सबको, और तुम सब यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब भयभीत हैं माँ। जीवन में प्रथम बार हमें असुरों से भय लग रहा है। अपने प्राणों के लिए ऐसा भय इससे पहले अनुभव नहीं किया माँ। ना जाने कैसे वो अमर हो गए हैं, हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके प्राण नहीं ले सकता। और अब तो उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपराध मैंने किया था माँ, किंतु उसका दंड मेरे इन भाइयों को और आपको मिल रहा है। और मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पुत्र, एकता में ही बहुत शक्ति होती। जब तक तुम सब एक साथ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और जहां तक तुम्हारी प्राण रक्षा का प्रश्न है, तो पुत्र, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी अवश्य होता है। और तुम्हारी मां वो समाधान अवश्य ढूंढ कर रहेगी। जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अधिक समय तक सत्मार्ग से दूर नहीं रह सकते। जब से महर्षि दुर्वासा ने भगवान शिव के वरदान स्वरूप मिली वो महान माला भिंता माँ को दी थी, कद्रुमा के मन में ईर्ष्या के अंगार सुलगने लगे थे। अपने आप को अपनी छोटी बहन विंता से उत्तम सिद्ध करने की हठ ने उनके मस्तिष्क में जड़ें जमा ली थी। यहां तक कि अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना करते समय भी उनके मन में यही एकमात्र विचार हावी रहता। और इसीलिए जब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने का समय आया, तो उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा, जो देवता मानव गंधर्व दानव इन सभी से अधिक शक्तिशाली हो, जो विकराल विषधर हो, जिन्हें देखते ही शिराओं में भय का संचार हो, मुझे ऐसे एक सहस्त्र पुत्र चाहिए।
तथास्तु। ऐसे बलशाली पुत्र होंगे तो अवश्य त्रिलोकी सामग्री बन जाऊंगी मैं। फिर विनता ही नहीं, दीदी अतिथि सब झुकेंगे मेरे आगे। देवी कद्रू की तरह आपका भी तप सफल हुआ। अपनी मन वांछित संतान मांगिए। स्वामी, अधिकार केवल मेरा नहीं है, संतान को अपने माता और पिता दोनों की इच्छाओं का संयुक्त स्वरूप होना चाहिए। इसलिए आप बताइए, कैसी संतान चाहिए आपको? देवी, हम एक ऐसे पुत्र की कामना करते हैं जो माता पिता को अपना आदर्श समझे और जो संसार को ऐसी शिक्षा दे सके कि माता पिता की भक्ति से संसार का समस्त ऐश्वर्य पाया जा सकता है। एक ऐसे पुत्र की कामना जो संसार में देवों और असुरों के बीच के संग्राम को रोककर सृष्टि में संतुलन स्थापित करे। आपने मेरी कल्पना को स्वर दे दिया। जिसके मन में सृष्टि का कल्याण हो और चित्त में हो नारायण के चरण, मुझे ऐसे सदाचारी पुत्र का वरदान दे दीजिए स्वामी। देवी कद्रू ने सहस्त्र पुत्रों की इच्छा व्यक्त की है, किंतु आप केवल एक ही पुत्र चाहती। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। आप सही कह रहे हैं, संतान के समुचित विकास के लिए भाई या बहन का होना आवश्यक होता है। मेरे पुत्र को एक और साथी दे दीजिए स्वामी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अर्थात मेरा कोई भाई भी है, किंतु भैया माँ ने तो मुझे उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। कौन है वो और कहाँ है? तुम उन्हें मिल चुके हो गरुड़। क्या? किंतु कब? कौन? सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं वो, अरुण तुम्हारे बड़े भाई। अंधकार को समूल नष्ट करने वाले श्री सूर्यदेव को मेरा प्रणाम।